हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, अभी एक न्यूज़ में पता चला है कि सौमी के नए स्मार्टफोन MI CC9 प्रो पर चल रहा है काम। जानकारी मिली है कि सौमी अपने नए स्मार्टफोन सौमी MI CC9 प्रो पर काम कर रही है। इस फोन को कंपनी ने मॉडल नंबर इतना नंबर दिया है और यह कथित तौर पर चीन की 3C सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया है। 3C सर्टिफिकेशन से पता चला है कि यह फ़ोन 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। याद करा दें कि Xiaomi ने पहले ही चीनी मार्केट में Mi CC9 और Mi CC9e को लॉन्च किया था। ऐसे प्रतीत होता है कि अब Mi CC9 Pro को लाने की तैयारी है। MI CC9 Pro वेरियंट को 3C सर्टिफिकेशन साइट पर मॉडल नंबर इतना के साथ लिस्ट किया गया। इसी 3C सर्टिफिकेशन से पता चला है कि फ़ोन 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। सर्टिफिकेशन से यह भी इशारा मिला है कि रिटेल बॉक्स में 30 वाट का चार्जर भी दिया जाएगा। फ़ोन को 3C वेबसाइट पर लिस्ट किए जाने की जानकारी सबसे पहले सीना टेच द्वारा दी गई। फ़ोन को जल्द लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, लेकिन Xiaomi की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। चर्चा है कि फ़ोन में VC Onyx का वट स्क्रीन डिस्प्ले होगा और यह ओक्टा कोर स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर के साथ आएगा। फ़ोन में सैमसंग का 108 मेगापिक्सल ISOC++L ब्राइट HMX इमेज सेंसर मौजूद होगा प्राइमरी सेंसर के तौर पर। याद करा दें कि इस फ़ोन को यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन की वेबसाइट पर बीते महीने मॉडल नंबर इतना के साथ लिस्ट किया गया था। उम्मीद है कि CC9 Pro हैंडसेट Mi CC9 का पावरफुल वेरिएंट होगा। यानी फ़ोन की शुरुआती कीमत चीन में रखा गया था 1799 रुपये, यह भारत में 18,000 रुपये के से ज़्यादा हो सकती। याद रहे कि जुलाई महीने में लॉन्च किए गए CC9 और Mi CC9e हैंडसेट 48 मेगापिक्सल रियर कैमरे स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर और फ्लेक्सिब स्क्रीन के साथ आते हैं। तो यह थी दोस्तों Xiaomi की तरफ से आने वाले एक न्यूज़। Xiaomi के नए फ़ोन MI CC9 पर चल रहा है काम। तो आइए, यह जानकारी आपके लिए था। लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।